हे गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक और नया रिव्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं, और आज का जो रिव्यू है वो है बियर शैम्पू के ऊपर। काफी टाइम से रिक्वेस्ट करने के बाद, सभी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं ये प्रोडक्ट लेके आई हूं। यूज करने के बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर मिक्स से रिव्यू है, आपको यूट्यूब पर और भी रिव्यूज मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाली हूँ इसके ऊपर। हालांकि ये शैम्पू मैन के लिए है, जो आदमी है वो यूज करेंगे इसको, लेकिन इसको गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, औरतें भी इसको यूज कर सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इसकी पैकेजिंग खतरनाक है, एकदम बियर के जैसे पैकेजिंग है, और स्मेल भी सेम डिट्टो वही है। सभी लोग 90% लोगों को पता होगा बियर कैसा स्मेल करता है, तो सेम स्मेल है, सेम पैकेजिंग है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। 155 रुपीज इसकी MRP है, मुझे 150 का मिला है। इसका लिंक मैं ढूंढ के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं अगर आपको लेना होगा तो। और ये 180 ml का प्रोडक्ट है, और इसकी जो स्मेल है मैंने आपको पहले बताया बियर के जैसी है। सभी लोग जानते हैं बियर हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, नरिशमेंट करना, स्किन को हेयर को बाउंसी बनाना, और साथ ही साथ डैंड्रफ को दूर करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है बियर। तो उन्हीं सब की खूबी के लिए साथ ये शैम्पू आया है। फर्स्ट यूज के बाद आपको देखेंगे कि आपके हेयर बहुत ज्यादा बाउंसी, मेरे बाल अभी गीले हैं, बहुत ज्यादा बाउंसी हो जाएंगे, और मैंने इसी से वॉश किया है, बाउंसी हो जाएंगे। आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज्यादा साफ और अच्छा फील करेगी, साथ ही साथ जो आपके हेयर के अंदर शाइन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, नरिशमेंट बहुत अच्छा होगा, बाउंसी फील होगा। तो फर्स्ट वॉश बहुत अच्छा जाएगा आपका, और डैंड्रफ भी धीरे धीरे कम होगा। एक झटके में डैंड्रफ कोई भी चीज पूरा नहीं करती है, तो ये कहते हैं डैमेज फ्री आपके हेयर रहेंगे। और ये एक एंटी डैंड्रफ नरिशिंग शैम्पू है, जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से है। और अगर आपकी स्मेल से आपको परेशानी है बियर की स्मेल से, तो अगर जैसे ही आप अपने हेयर को वॉश कर देंगे उसी दौरान आपके जो हेयर की स्मेल है वो चली जाएगी। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर बिल्कुल भी SLS का यूज नहीं किया गया है, बहुत ही कम अमाउंट में SLS है। वो इसलिए कैसे पता करेंगे कि ये जो आपके हेयर है उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे से लैदर नहीं होता, आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट लेने की जरूरत है, जिससे पता लगता है कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, प्योर बियर इसके अंदर यूज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। ओवरऑल दी बेस्ट प्रोडक्ट है, जिनकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे का मिला जुला इसका रिएक्शन है, बट मेरा अपना खुद का मानना यह है कि ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अगर कोई चीज झाग देती है तो उसके अंदर डिटर्जेंट और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनसे बचने के लिए, आप अपने हेयर को अच्छा रखने के लिए जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। और आई थिंक सभी लोगों को एक बार गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई जरूर देना चाहिए इस शैम्पू को, की क्योंकि बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा है। आपके हेयर को अगर बाउंसी, नरिश और मैनेजेबल, बहुत बड़ी बात है कि आपके हेयर बहुत अच्छे से मैनेज होंगे, आप उनको बहुत अच्छे से रख पाएंगे, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी फटाफट से कि आज तो बैड हेयर डे है और नहीं काम बन रहा मुझे, पता नहीं मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा शैम्पू है, मुझे बहुत पसंद आया ये शैम्पू। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। डायरेक्ट बियर से तो धो नहीं सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा, और साथ ही साथ लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, वो बहुत ज्यादा स्टाइल करेगी, तो लेकिन इससे आप आराम से हेयर को वॉश कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक ट्राई जरूर देना चाहिए, जो भी डैंड्रफ से परेशान है, साथ ही साथ जिनके हेयर बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, बहुत ज्यादा रफ एंड ड्राई है, तो या बाउंस नहीं है बिल्कुल भी हेयर के अंदर, चिपकू चिपकू हैं, तो वो जरूर इसे एक बार ट्राई करके देखें। तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको जरूर खरीदना चाहिए। जो भी लोग इसको खरीदने की सोच रहे हैं और अभी तक नहीं खरीदा है तो प्लीज इसको खरीद लीजिए, क्योंकि काफी अच्छा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले और आप मुझे वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू बताइए आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, या आपको बियर शैम्पू आपने पहले यूज किया है तो आपको पसंद आया कि नहीं आया, या सिर्फ मुझे ही पसंद आया है, ये सब मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई जरूर करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सभी को खुश रखिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।